बात करेंगे आप अपस्टॉक ऐप के ऊपर कैसे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, वो भी बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपनिंग। साथ ही साथ कैसे आप अपने अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज को जीरो कर सकते हो, यानी आपको लाइफ टाइम के लिए कोई भी मेंटेनेंस चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है उस ऐप को यूज़ करने के लिए। देखो, अगर आप किसी भी ऑथराइज्ड पार्टनर अपस्टॉक ऑथराइज्ड पार्टनर के लिंक से अपने अकाउंट को ओपन करते हो तो आपकी अकाउंट ओपनिंग तो फ्री होती ही है, साथ ही साथ आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है फॉर लाइफ टाइम, और आपकी आईडी एंड पासवर्ड भी आपको बहुत जल्द मिल जाती है, एक्टिवेट बहुत जल्द हो जाएगी इनकम कंपैरिजन टू नॉर्मल पीपल जो डायरेक्टली अपने अकाउंट को ओपन करते हैं। सो मैं भी अपस्टॉक का ऑथराइज पार्टनर हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप अभी अपने अकाउंट को ओपन नहीं करना चाहते हो तो यार वीडियो को सेव कर लो, आप बाद में भी इस प्रोसेस से अपने अकाउंट को ओपन कर लोगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। सो जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाता है, आपको सिंपली अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, सिंपली आपको उस ओटीपी को यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको 6 डिजिट का पिन क्रिएट करने को कहा जाता है, आप कोई भी 6 डिजिट का पिन क्रिएट कर लें मगर उस पिन को याद रखें, आपको बाद में काम आएगा। कंफर्म करना है अपने पिन को एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सो अब आपको अपनी फिंगरप्रिंट सेटअप करने का ऑप्शन मिल रहा है, वो आप कर लेना एंड उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपना ईमेल आईडी लिख देना है एंड उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड उस पर भी एक ओटीपी आता है, उसको आप वेरीफाई कर लेना। यहाँ पर आपको शो हो रहा है कंप्लीट योर केवाईसी इन अंडर अ फ्यू मिनट्स, बहुत जल्द ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, आपको बस कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया जा रहा है वी नीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, आपको लेट्स बिगिन के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको देख सकते हो शेयर अ बिट अबाउट योरसेल्फ का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिख देना है, अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पैन कार्ड का डिटेल्स शेयर करना है, अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एज पर योर पैन कार्ड, इस बात का आपको ध्यान रहे। उसके बाद आपसे आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछी जाती है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, आपका एनुअल इनकम पूछा जाता है एंड आपकी ऑक्यूपेशन पूछी जाती है, बहुत सारे ऑप्शन हैं आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपसे आपका जेंडर और आपकी मैरिटल स्टेटस पूछी जाती है, तो वो आप इजिली सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सो अब आप अपने नेक्स्ट स्टेप में पहुँच जाते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है वी नीड टू नो अ लिटिल बिट मोर, आपको अब सेलेक्ट करना है, आपको तीनों बॉक्सेस में टिक कर देना है। आप देख लो क्या क्या लिखा है, आई पे माई टैक्सेस इन इंडिया, आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज और रिलेटेड, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको बताया जा रहा है योर सिग्नेचर इज नीडेड, तो आप अपलोड भी कर सकते हो फोटो या फिर आप डिजिटली साइन भी कर सकते हो, अगर आप साइन डिजिटली पर क्लिक करोगे आपको एक अपने फिंगर से सिंपली वहाँ पर राइट करना है अपना नाम, अपना सिग्नेचर, जैसे आप करते हो बैंक में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट पर। सो आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताया जा रहा है कि आपको ध्यान में रखना है कि आपका साइन सिमिलर होना चाहिए जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स में करते हो। नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका एड्रेस शो करेगा, आपने पेन डिटेल्स पहले ही सबमिट कर दिए तो आप देख लेना पैन कार्ड से सिमिलर होगा तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, नहीं तो आप यूज़र डिफरेंट एड्रेस करके अपना एड्रेस वहाँ पर अपडेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक सेल्फी के लिए पूछा जाता है, तो आपको अपनी एक अच्छी सी सुंदर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है एंड उसके बाद आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप है लिंक योर बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है, आप मैनुअली भी लिख सकते हो और यहाँ पर आपको UPI ऐड करने का भी ऑप्शन है, अगर आप UPI के थ्रू करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है, आपको भी पता है बस नंबर डालना है और वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर डालना है, बैंक अकाउंट नंबर को री एंटर करना है, FSC कोड लिखना है और अपना फुल नेम एज पर योर अकाउंट बैंक अकाउंट, राइट। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। सो अब आप अपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हो, यहाँ पर आपको शो हो रहा है लिमिटेड पीरियड ऑफर, आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आप अपने नेक्स्ट स्टेप में आ गए हो। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आप अभी एक्टिवेट करोगे या बाद में एक्टिवेट करोगे, क्योंकि इस स्टेप को आप बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है वो भी आप अभी कर सकते हो एंड बाद में भी कर सकते हो। सो हम इस स्टेप को बाद में करेंगे एंड मैंने बताया हुआ है कि आप अपस्टॉक पर, एंजल ब्रोकिंग पर, ग्रो ऐप पर, ज़ीरोधा पर कैसे बाद में नॉमिनी ऐड कर सकते हो, आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप ज़रूर चेक करें। आपको अब साइंस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है सो आप अपने नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच सको, ये वाला लास्ट स्टेप है, इस स्टेप के बाद सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपको सिंपली ई साइन नाउ पर क्लिक करना है एंड प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे साइन नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सो एक दो सेकेंड का टाइम लगता है, थोड़ी लोडिंग होती है, फिर आप NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स, उसमें आपको टिक करना है और नीचे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है एंड फिर सेंड OTP पर
क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाती है, उस ओटीपी को आप यहाँ वेरीफाई कर लोगे। जैसे ही ओटीपी डालोगे, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस था, आई नो आपको समझ भी आ गया होगा। आप डन पर क्लिक करो एंड अपने अपस्टॉक ऐप पर आप जाकर लॉग इन कर लेना। आपको आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगी एक दिन के अंदर, अगर आप लिंक के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करते हो, लिंक के थ्रू अपने अकाउंट को ओपन करते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब